नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GS विद शॉर्टहैंड में। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास लगभग हजारों वर्ष पुराना है। अपने हजारों साल के इतिहास में इसे कई विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। अधिकतर विदेशी आक्रमणकारी भारतीय सभ्यता संस्कृति में इस तरह घुल मिल गए मानो वे यहीं के मूल निवासी हों। शक, हूण इत्यादि ऐसे ही विदेशी आक्रमणकारी थे। विदेशी आक्रमणकारियों के आगमन एवं यहाँ की सभ्यता संस्कृति में घुल मिल जाने का सिलसिला मध्यकालीन मुगलों के शासन तक चलता रहा। 18वीं सदी में जब अंग्रेजों ने भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार जमाया तो यहाँ के लोगों को गुलामी का एहसास पहली बार हुआ। अब तक सभी विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत को अपना देश स्वीकार कर यहाँ शासन किया था, किंतु अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार करने के बाद अपने देश इंग्लैंड की भलाई के लिए इसका पूरा पूरा शोषण करना शुरू किया। 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों ने मुगलों का शासन समाप्त कर पूरे भारत पर अपना अधिकार कर लिया तो उनके शोषण एवं अत्याचारों में भी वृद्धि होने लगी। फलस्वरूप भारतीय जनमानस दासता की बेड़ियों में जकड़ता गया। भारत माता गुलामी की जंजीरों में कराहने लगी। तब जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी में विश्वास करने वाले स्वतंत्रता के दीवानों ने अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। आज़ादी का यह संघर्ष 19वीं शताब्दी के मध्य से प्रारंभ हुआ था। इस संघर्ष में कई लोगों ने अपने जान की कुर्बानी दी। कई लोग अंग्रेजों के जुल्म के शिकार हुए। कईयों को जेल की सलाखों के पीछे नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ा। कईयों को काला पानी की सजा दी गई। आज़ादी का यह संघर्ष 1947 ईस्वी तक चला। आज़ादी के इस संघर्ष के नायकों की संख्या अनगिनत है। उन सब के नामों का यहाँ उल्लेख करना संभव नहीं, किंतु सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, जयप्रकाश नारायण, अबुल कलाम इत्यादि कुछ ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में विशेष योगदान था। सदियों की प्रतंत्रता के बाद 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस दिन लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा झंडा फहराया था। तब से हर वर्ष लाल किले की प्राचीर पर इस दिन प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। झंडे को 21 तोपों की सलामी दी जाती है एवं रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री
झंडा फहराने के बाद देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए भाषण भी देते हैं। इसके बाद सभी नागरिक देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का वचन दोहराते हैं। स्टॉप।